फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमर्स क्लास यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कह रहा हूँ WWE 2K22 और आज मैं कह रहा हूँ सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल मैच। और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा। अब WWE ने हेल इन अ सेल पे पर व्यू कराना बंद कर दिया है। लास्ट हेल इन अ सेल पे पर व्यू तब हुआ था जब जे उसो वर्सेस रोमन रेंस का मैच हुआ था। लास्ट हेल इन अ सेल वही हुआ था, उसके बाद से कोई भी हेल इन अ सेल पेपर व्यू हमें देखने को नहीं मिला है। तो आज हम 2K में इन दोनों का हेल इन अ सेल में मैच कराने वाले हैं और देखते हैं कौन जीतता है। मैंने लिया है सीना और मेरे ओपोनेंट हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। तो हमारे सीना मस्त लग रहे हैं भाई साहब। सीना और रॉक पे जो 2K ने काम करा ना, बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं। आप सीना की टी शर्ट पर नोटिस करना, बिल्कुल ही रियल लगेगा। तो हम अब सीना के इंटर स्किप करते हैं, अब आएंगे हमारे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। ये सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। मैंने कर दिया इनकी एंट्रेंस स्किप क्योंकि ये है मेरे अपोनेंट और अब इनकी होगी जमके धुलाई। आ जाओ फ्रेंड, आप मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है इन दोनों से कौन जीतेगा बिना वीडियो स्किप करे, और आपका फेवरेट कौन है इनमें से वो भी मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलना। आप गए सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, तुम घर पंगा ले लिया तुमने मेरे साथ हेल इन अ सेल रिंग में। स्पेशली कहीं से भाग भी नहीं सकते तुम यहाँ से, यहाँ तो तुम पिटे ही पिटे। अरे यार सीना उठ जाओ, इससे पहले कि वो कुछ सामान निकल के लाए। चलो कोई नहीं, जो भी सामान आया कहीं नहीं पड़ना वापस। ओ कैंडल स्टिक, अबे यार ये कूद गए सीना इनके वो आ गए कैंडल स्टिक से। मैं तो पटाई करने की सोच रहा था सेथ रॉलिंस की। यार खत्म करो ना, कितने कॉम्बैट सिखाओगे, हटाओ। तो चलो मैं जल्दी से उठता हूँ। अबे यार सेथ रॉलिंस आ रहे हैं, जल्दी उठ जाओ सीना, जल्दी उठ जाओ यार, अब जल्दी उठ जाओ, अब जल्दी से उठ जाओ। उससे पहले किए हैं सेथ रॉलिंस, भिगो भिगो के मारूंगा। वैसे डॉज में मार रहा है सेथ रॉलिंस, अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो पिटा ही पिटा, बड़ी गंदी तरीके से पिटूंगा अब तो। आ जाओ, रिवर्स नहीं, रिवर्स नहीं, रिवर्स नहीं, लग गया। कहाँ गई वो कैंडल स्टिक जो लेके आए थे? अबे यार फिसल गई, ये तो भगी जा रही है। चलो नहीं मार लेते हैं, मेरा वर्ड दिख रहा है नेवर गिव अप। तो यही बात है, हम कभी गिव अप नहीं करते और ओपोनेंट को गिव अप कराते हैं। ऐसे इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मेरे साथ हेल इन अ सेल रिंग के अंदर आ गए, अभी बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। हमारी गेमर्स फैमिली को 2K की वीडियोस कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में बताना, बिल्कुल मत भूलना कि मैं इसमें क्या क्या कवर करूँ। अब कुछ ही दिनों में माइराज मोड, माई जियम मोड भी आपको देखने मिलेगा। अबे यार रिवर्स कर दी इन्होंने, तो आप वो वीडियोस नहीं, तो आप वो वीडियोस नहीं देखना भूलना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप वो वीडियोस वरना मिस आउट कर जाओगे। कभी वो भी आपको मिल सकती है माई राइज या माई जीएम की वीडियो। तो इसी बात पे लाइक भी कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपकी वीडियो मिस ना हो। यार ये बहुत ज़्यादा रिवर्सल मारे जा रहे हैं, बस 10 मीटर तक एक्टिव हो चुका और बस हटने वाला। अब नहीं, अब नहीं, खा लो बस 2-3 मूव और खा लो, बस लास्ट मूव है। नहीं एक और बस हो गए स्टैंड, मैं 2-3 मूव को आता सही में 3 मूव पे स्टैंड हुए हैं। अब मेरे पीटता हूँ मैं जल्दी से, इतना पीटूंगा इन्हें, छोड़ूंगा ही नहीं भाई साहब। इनकी मैंने अभी से चेस्ट जो है ऑरेंज कर दी है, मैं या कुछ भी ऑरेंज दूंगा। इनकी हेल्थ भी पूरी खत्म कर दी है, तो मैंने चार फिनिशर लगा दिया। अब देंगे हमारे सीना ए रिवर्स नहीं, दे दिया। चलो हमारे सीना ने अभी ए दे दिया, अब इन्हें और पीटते हैं। सेथ रॉलिंस फिर से स्टैंड हो गए हैं, अभी स्टैंड हुए थे दोबारा स्टैंड हो गए, ये सही है। यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा था, लगा दिया गया, मैंने बिल्कुल तभी लगाया जब उनका स्टंट मीटर हटा था। अब दोबारा आ जाना चाहिए, अगर ये मूव कनेक्ट हो गया हो जाना प्लीज़। हमारे सीना फुल स्टाइल मारते हो, अरे यार मुझे इसी बात का डर था, मेरा सिग्नेचर छीन लिया, फिनिशर भी वापस आ गया इनका, मैंने भी छीन लिया। अच्छा ये नॉर्मल मूव थी इसलिए रिवर्सल आ गया, मैं यही सोचूँ सिग्नेचर फिनिशर पे तो इतनी जल्दी आता नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि रिंग तोड़ के बाहर चलूँ, हेल इन अ सेल पूरा वीक करना पड़ेगा पहले 2-3 बार मार के, इतनी आसानी से इन टूटेगा।
पर चलो पहले इनकी इतनी पिटाई कर लेते हैं कि फिर आराम से मेरे हिसाब से जाने, क्योंकि इनकी पिटाई मैंने ज़्यादा नहीं की तो फिर ये बाद में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे जब मैं इनके साथ में हेलेना से तोड़ूंगा। मैंने सोचा ऊपर से सीना का ए लगेगा और सेथ रॉलिंस को सीधा और नीचे आके पड़ेंगे, फिर मैं उन्हें पिन फॉल करा दूंगा। बस एक बार मैं तोड़ के बाहर चला जाऊँ, अब चेयर निकाल लेता। अब यार आ गए, ये ठीक है, ये वाला टाइम चेयर की जगह यार बेसबॉल बैट के लिए जल्दी। अब नहीं छोड़ूंगा सेथ रॉलिंस, बड़ा दुखी कर रखा है, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा हमारा सीना। वैसे सभी का फेवरेट होगा, मुझे नहीं लगता ऐसे दुनिया में कोई भी होगा जो सीना के बारे में जानता भी ना हो। तो यहाँ पे हमें सेल को ब्रेक करना सिखा रहे हैं, हमें सब आता है। हटो, गेम वालों को लगता है हम नूब है पर हम प्रो हैं, हमें सब आता है। यार इस सेथ रॉलिंस की भी हद है, इतना सा मीटर रह रहा है देखो स्टैंड होने का, बस एक घूसा पड़ा हो गया स्टैंड। ये हो गए फाइनली, इनकी मूव के रिवर्सल में स्टैंड हुए हैं। अब देखते हैं इन्हें पीटते हैं जल्दी जल्दी, जितना ज़्यादा इन्हें वीक कर दूंगा ना फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मुझे सेल वेल्ट तोड़ने हैं तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर वीक होना चाहिए कि वो रिवर्स ना करे, क्योंकि काफ़ी बार मारना पड़ता है सेल में। अबे यार सीना कहाँ से पकड़ रहे हो, फिर रिवर्स कर दी यार। यार वो खाने अच्छी नहीं लगती क्या स्टैंडिंग के अलावा, किसी का खौद तोड़ दिया भाई। फाइनली सेल टूट चुका है, अब ऊपर से तुम्हारे ऊपर टूटेगा, वो भी ए से तोड़ूंगा ऐसे नहीं। एंटर और चढ़ने का दोनों का ऑप्शन है, चलो अब तो पक्का कन्फर्म है ए लग रहा है ऊपर से। मेरे पास फिनिशर भी है तो शायद ये उसी ए के लिए है जिसकी मैं बात कर रहा था। अरे यार रुक जा सेथ रॉलिंस, थोड़ा सा तो सबर कर, चल तू भी चढ़ रहा है मैं भी चढ़ ही जाता हूँ भाई। चलो हमारा सीना भी ऊपर जा रहा है, और इतनी धुलाई कर देनी है ना सेथ रॉलिंस की, इतनी धुलाई कि दोबारा ये सोचे भी ना कि सीना के साथ मुझे कोई मैच करना है। हेलेना सेल भी नहीं, कोई भी नहीं, ए टू जेड। तो नीचे क्लाइम डाउन का भी आ रहा है, नीचे जाना है, हम ऊपर क्यों आए हैं, हमें नीचे जाना है, हम तो यहाँ पीटेंगे। ओबे तेरी, इनके पास आप देख रहे हो दो फिनिशर एक सिग्नेचर, फिर से रिवर्स कर दी मेरी वो रिंग के अंदर, रिंग मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे ऊपर ही ना टूट जाए। स्टॉम्प से शायद टूट सकती है रिंग, पता नहीं देंगे कि नहीं स्टॉम्प। आ जाओ सेथ रॉलिंस, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला मैं किसी भी कीमत पे। उठ जा यार सीना, उठ जाओ, रोक लिया, ये लग गई मुझे पेडिग्री से भी शायद टूट जाए, पता नहीं आई डोंट नो, मैंने अभी तक देखा नहीं है रिंग तोड़ते हुए पेडिग्री से। उठ जाओ, उठो 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 उठो, ये यू कैन सी मी, अब लगेगा ए ए। अरे यार ये गलत तरफ लग गया, बीच के ब्लॉक्स में डालना था, मैंने कोने के में डाल दिया ए मार के, हमारा वेस्ट हो चुका है फिनिशर, तो मुझे दोबारा से फिनिशर भरना पड़ेगा सेथ रॉलिंस से। यार स्टंट में कैसे रिवर्स करा, आप लोगों ने नोटिस करा स्टंट थे सेथ रॉलिंस, उन्होंने तब भी रिवर्स कर दिया हमारी मूव। यार ये तो चीटिंग होती है, ऑडियंस ने अभी तक 3 स्टार्स ही दिए हैं, यहाँ हमारी इतनी हंसी कैसी हो गई, ये ऑडियंस तो बहुत नल्ली है, इससे मैच इनसे ही मैच करवा दो, तब जब 3 स्टार देंगे ना इन्हें ऐसी तैसी होने के बाद। सेथ रॉलिंस कोई मूव ना छोड़ू मैं तुम्हारी रिवर्स करने के लिए, वो तो मुझे रिवर्सल देते नहीं है गेम वाले, मेरे को हर मूव पे रिवर्सल मिलने लगे तो हर मूव तुम्हारी रिवर्स होगी जो मारोगे। चलो सही है, मेरे को एक फिनिशर आ गया, अब क्या सोचा है ए मारना है, तो मैं अभी यहाँ पे फिनिशर नहीं लगा रहा, यहाँ पे भी नहीं टूटेगी, बीच के ही ब्लॉक्स में टूटती है रिंग। उठो 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 उठो, लगा दिया ये, यू कैन सी मी, इस बार टूट जाइए प्लीज प्लीज। अरे यार गलत तरफ फेंक दिया, मुझे लगा था टेढ़ा फेंक दिया, इस तरफ वाले की रिंग का मुझे था टूट जाएगी। चलो मारते हैं, हमारा सिग्नेचर भी भर ही रहा है, बस सिग्नेचर का मार उठते समय भी यूज हो जाता है, जब हम तेज रिकवरी करते हैं तब भी हट जाता है ऐसी, तो सिग्नेचर तो तभी दे दो जिस टाइम आए, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है।
सेथ रॉलिंस की टी शर्ट पहन रखी है एक पब्लिक में, एक बंदे ने मोदी के सामने सेथ रॉलिंस को पीट रहा हूँ। बहुत पिटाई करनी है सेथ रॉलिंस की किसी भी तरह से, किसी भी ए टू जेड किसी भी वजह सेथ रॉलिंस को उतना वीक कर देना है कि आराम से इनको लग जाए। यार फिर रिवर्स, इतनी रिवर्स करके करोगे क्या? तुम्हार तो गए हो अपनी मैच, अपनी बॉडी तो देख लो जरा, ऊपर ही फालतू बकवास। दो फिनिशर ऐसे एक सिग्नेचर, दो फिनिशर एक सिग्नेचर। गलती से भी हम रिंग में गए तो गए, हो जाएगा काम। ये वाली रिंग फूटेगी जिस पे फिलहाल मैं खड़ा हुआ तो हमें यहाँ पे मारना होगा ये, या फिर इसके चारों तरफ के चारों ब्लॉक्स तो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं तो हमें वहीं पे देना पड़ेगा। हीना का ए ए मैंने लगा दिया ए, अब की टूट जाना चाहिए अब की, क्योंकि इन चारों में से किसी एक ब्लॉक पे डालेगा। यार हल्का सा उससे रह गया, इस बार तो टूट जाना चाहिए था। पीटो अब यार, ये गलत बात है सेथ रॉलिंस की, मुझे इस बार उम्मीद नहीं थी किस बार भी नहीं टूटेगा। सेथ रॉलिंस बीच में जाके गिरा करो ना ए लगने के बाद। ये क्या कर रहे हैं, रिंग भी मूव। यार हमें रिवर्सल दे देना, जैसे ये रिवर्स मारते रहते हैं तो इनकी हरी मूव रिवर्स कर दे हम। मुश्किल से जब भी रिवर्सल आता है एक या दो मूव पे छूट जाता है, जैसे अभी छूटा था, वरना मैक्सिमम टाइम कनेक्ट हो जाता है रिवर्सल। पीटो 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 यार, पीटे जा रहे हैं, कितना पीटोगे? चलो मजे ले लो एक बार, तुम मजे ले लो एक बार, उठ लो फिर बताऊंगा तुम्हें। हो गया रे बस टाइम, अब आ हो गया तुम्हारा पीटना। अबे यार तेरी, मुझे पता नहीं क्यों लगा था रिवर्सल दोबारा आएगा, तो मैं तो नाराज नहीं था, पर अब हो गया स्टंट। अब सेथ रॉलिंस हमें बहुत ज़्यादा पीटने वाले हैं, जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उतना ज़्यादा कूटने वाले हैं हमें। तो यहाँ पे देखते हैं, ओ भाई ये कराओगे? ओ मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे ये फिनिशर था, ये फिनिशर था सेथ रॉलिंस का। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है रिंग मेरे ऊपर तोड़ देंगे तो इस तरीके से। एक और फिनिशर भाई, सो भी फिनिशर था, ये रिंग टूट भी नहीं रही। चलो सही है, वरना रिंग एक बार ही हम रिंग में पहुंच गए ना सीधा, उसके बाद तो एक और। आहा क्या फिनिशर है, ये रिंग के बाहर वाला होगा कहीं, सुपरस्टार का अलग है रिंग के बाहर वाला फिनिशर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यार फिर से नहीं करा लो, टैप आउट करा कर क्या लोगे? पर मैं सोच रहा हूँ बाहर भी टैप आउट ना करूँ, वैसे मेरे प्लेयर की पावर पूरी ख़त्म पड़ी है, बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ मैं वाला टैप आउट भी। गए 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 बस गए गए गए, हो गया बस गए सेथ रॉलिंस, अब भी तो तुम गए, आ जाओ। अरे यार सीना छोड़ने तो ढंग से दो, लग गए। चलो मेरा अब फिनिशर लाना है मुझे, और फिर मारना है ने ए ए। यार रोट सही है, बस लेटे लेटे में इनको पीटते रहो, किसी भी तरह बचना है इनसे। यार स्टंड हो गए, पर अपने में फिनिशर नहीं है, जब टाइम फिनिशर होता है तभी स्टंड नहीं होते, क्या चक्कर है ये? चलो पीट पीट के इतने हो सकता है आ ही जाए फिनिशर। एक दो तीन चार पाँच छः, छः मारते हैं पंच, एक और लगा देते हैं। चलो बस अब इसके बाद ये धड़ाधड़ रिवर्स करेंगे अपने, फिर से उस पर आ जाएंगे फॉर्म में, क्योंकि इनका जा चुका है अपना स्टंड और हमें क्लाइम डाउन दिखा रहे हैं। भाई चढ़ा क्यों मैं, उतरूंगा जब, मैं चढ़ाई क्यों? यार फिर रिवर्स कर दी, वो बात नहीं हो गई अब ज़्यादा ही, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मूड बहुत जोर की गुस्सा आ रहा है। अब की नहीं, अब मैं कुछ भी मूव मार दूं, अब रिवर्स कर दी ना, अब क्यों मैं छोड़ूंगा नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। मैं लगा दिया है फिनिशर, अब की ए कनेक्ट हो जाइए प्लीज, बहुत मेहनत करा ली तूने। अरे यार हल्का सा कोने पे रह गया, हो जाता वरना अब की। यार बिल्कुल लक बाय चांस गए। अरे यार भाई चलो टैप आउट कराते हैं अभी तेरी।
चलो उससे ये तो फायदा हो गया, अचानक से किक आउट कर दिया, पर फिनिशर लगा सकते हैं अब हम। फिनिशर आ गया, मैंने क्लिक भी कर दिया है भाई। टूट जाइयो, देख अब टूट जाइयो, अब की किसी गलत साइड पे नहीं मारना सीना यार। ये सीना फिर यहाँ ले आए, अब ये इस तरफ फेंक देंगे। मैं कितने दूं भाई, रिंग तो पूरी टूटनी चाहिए, टूट गई, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक चीज कर दी। रिंग पूरी टूटनी चाहिए चाहे कुछ भी बात हो, ए टू जेड है ना। तो यार ये तो बेकार चीज है, टूगे ने तो खराब कर दिया। मैं स्टाइल ही मार लेता हूँ इतने। उठो भाई, उठ जाओ, मुहूर्त निकलेगा क्या तब उठोगे भाई। जितनी पिटाई कर सको ना इनकी, उतनी पिटाई करो, बहुत फायदा होगा उससे हमें। यार अब नहीं, अब कोई रिवर्सल नहीं चाहिए मुझे। अब यार फिर रिवर्स मार दिया, हमें क्यों नहीं आता रिवर्सल इनकी मूवों पे, इनको हमारी मूव हर मूव पे रिवर्सल आता है। फिर आ गया रिवर्सल, फाइनली लग भी गया। ओ चटक गया, देखा आपने, थोड़ा सा बीच में से चटक गया। मतलब ये वाला तोड़ना बहुत आसान है, ये नॉर्मल भी बहुत सारी मूवों से फूट जाएगा, इसके लिए कोई सिग्नेचर फिनिशर नहीं चाहिए। पर हम तो ए से ही तोड़ेंगे सीना के, अब जल्दी से ए भर जाए तो शायद अब की बार टूट जाए। बाकी लग गेस करो, सीना हर बार गलत तरफ ही फेंक देते हैं ए में, यहाँ से रिंग टूटती है, वहाँ से कभी फेंकते ही नहीं है। आ जाओ, सही है, अभी बस स्टंड है, तब तक ही मार सकता हूँ मैं आसानी से, उसके बाद में फिर मैं नहीं मार पाऊँगा। तो देखते हैं यार, सेथ रॉलिंस अब की नहीं जाना, अब की मैं लगाऊंगा ये, अब की ढंग की जगह करना, अब की जैसी मैं लगाऊंगा। यार फिर रिवर्स कर दी, आ गए मेरे पास भी फाइनली रिवर्सल, अब पीटते हैं। ये मतलब इतना वीक कर दिया है इनकी पूरी बॉडी, देखो ऊपर के सारे पार्ट्स तो रेडी हैं, बस एक येलो लेग्स बचे हैं इनके। गया, टैप आउट भी करा लूंगा, रुक जाओ, काश ये नीचे की तरह यहाँ भी ऊपर चलते ना, तो टैप आउट भी हो गया। अब की तो पक्का है भाई, अब की रिंग टूट जानी चाहिए, वरना फिर हमारी किस्मत ही खराब। अब की बार वाले में भी सीना ने गलत तरफ दे दिया, तो ये भी चटक गई। आहा, अब ये दोनों चटकी हुई हैं, और थोड़ा सा पीट लेते हैं जब तक स्टैंड ना, और पीटो। मैंने फिर से लगा दिया एक और फिनिशर, अब की और कनेक्ट हो जाए भाई, हो गया। अबे यार गलत जगह लग गया, नशा रख की भी, अब की भी रिंग नहीं टूट पाई। अब कितना ही मार लूँ मैं, दुखी कर दिया यार सेथ रॉलिंस ने भी, ढंग की जगह गिरते ही नहीं है ए लगने के बाद, और सीना भी पता नहीं कहाँ फेंकते हैं, इन्हें दिख नहीं रहा कि रिंग वहीं टूटेगी। चलो सही है, सेथ रॉलिंस पूरे वीक पड़े हैं। अब मैंने रिंग में ले जाके ये दे दूँ तो वैसे ही ये पिन कर देंगे, पर मैंने सोचा कि हेलेना सेल में आ जाए, तो हेलेना सेल तोड़ के जाए सीना के ए से, क्योंकि हमने सीना लिया है। आ जाओ सेथ रॉलिंस, यही लगाएंगे शायद ये बार, इस तरफ से टूट जाए, किसी तरफ से टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि चटक तो रहा है, टूटता भी है, टूट जाना चाहिए आपकी सीना का, बाकी कुछ पता नहीं। सीना का लत थरप भी दे देते हैं, रिवर्स कर दी सीना, स्टाइल मार रहे थे रिवर्स करते हुए, ये सही है। अब पीटते रहो, मैं डैमेज सही हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे थे डैमेज हुए आपकी, तो मैंने लगा दिया है फिनिशर। यार हर बार सीना को गलत जगह पटकना ज़रूरी होता है सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस साइड पे जाके गिर जाया करो ना, हाँ इतना ज़रूरी है जहाँ सीना गिर जा रहे हैं। यार ये तो गलत बात है, ऐसे तो टूटेगा ही नहीं, ये हर बार साइड में गिर जाते हैं, ऐसे तो कितने ये दे दूँ मैं, गिरेंगे साइड में। अब की जैसे ही फिनिशर आएगा मैं लगाऊंगा, अब की टूट जाना चाहिए ना सेथ रॉलिंस को, मैं छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। यार फिर रिवर्स मार दी इन्होंने, उड़ गया, अच्छा रिवर्सल ही था ये, इतना लंबा रिवर्सल रिवर्सल, और यहाँ से मत फेंक देना, बहुत लग जाएगी हमारे सीना को।
मैं फेंकने की कोशिश कर रहा हूँ, गिर ही नहीं रहे मेरे से, तो पता नहीं क्यों गिर गए भाई, गिर गए। फाइनली गिर भी गए भाई, इनके ऊपर हर लेवल का टॉर्चर कर दिया, मैं नीचे पड़े हैं। चलो हमारे सीना स्टाइल मारते रहो, जैसे ही वो ऊपर आएंगे, अब क्योंकि ये ऊपर ही आएंगे क्योंकि हम इनके साथ में, तो अभी इन्हें आना तो ऊपर ही है। आ जाओ यार ऊपर आ जाओ, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार, क्या कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कूद जाऊंगा, जाएंगे ये नीचे को, ये तो नीचे उतरने का दिखा रहे हैं, शायद कूदते भाग के हूँ पीछे से। और चलो छोड़ो आइडिया, अब तो ये ऊपर हमारे पास अब भी एक सिग्नेचर है और फिनिशर भरने वाला है। आ जा सीना यार, फिर से नहीं, सीना को कूट के रख दिया भाई सेथ रॉलिंस ने, फिर से रिवर्स। यार कितने रिवर्स करते हो तुम, तुम्हें इतने रिवर्स लाते कहाँ से हैं। ये सीना अच्छा स्टाइल मारता है रिवर्स करते हुए, जब भी सीना रिवर्स करते हैं हमारे। यार फिर से मैं सिग्नेचर लगाने की सोच रहा था, मैंने भी रिवर्स कर दिया, सही है। ये वाला मुक्का इनका हर बार रिवर्स करने को आता है, ये वाला मुक्का मारते रहो सेथ, मैं रिवर्स भी मार दूंगा। आहा ये है सेथ का फिनिशर, कोई सोच सकता था, रिंग के बाहर सेथ ये वाला फिनिशर देंगे। आर यू किडिंग मी, सही है। चलो स्टैंड होने वाले हैं यार, स्टैंड कर रखा है, हट गया स्टैंड, हमें तो अब भी रिवर्सल नहीं आ रहा, फायदा क्या हुआ स्टैंड पे उठने का, उसमें पड़े रहते। आया था भाई रिवर्स, आया था अब किया, लग नहीं पाया मुझसे, मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि गेम वालों से, क्योंकि गेम वाले रिवर्सल तो देते ही नहीं, हमारी बार चांस है कि कभी कभी रिवर्सल आ जाता है, यहाँ पे आना चाहिए। ये अरे कितनी बार मारेंगे यार, रिवर्स नहीं हो पा रहा है, बहुत छोटा रिवर्सल दे रहे हैं हम, या तो मेरे सीना की पावर बहुत कम हो गई है इसलिए। सेथ रॉलिंस की बॉडी देख रहे हो, मेरे हाथ और वो फिर भी अच्छे हैं, अच्छी कंडीशन में। एक और मूव, मेरा प्लेयर स्टंड होने वाला है, कि इन्होंने कोई मूव रिवर्स भी मार दी तो भी मेरा प्लेयर स्टंड हो जाएगा। यार सीना आपकी मूव मत रिवर्स करवा लेना आपने को, चलो ये देखते हैं, इससे मुझे कम से कम एक और फिनिशर जरूर मिल जाएगा। टैप आउट तो करा भी दिया तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, यहाँ पहले भी टैप आउट करा था, बस मैं ये फिनिशर के लिए देता हूँ ये वाला सिग्नेचर, लगा दिया है मैंने फिनिशर, अब की लग जा भाई, अब की टूट जाना चाहिए, अब की तो बिल्कुल टूट गया भाई, टूट गया सीना, गिर जाओ नीचे। चलो कवर कर लेते हैं, रेफरी हो जाना चाहिए वरना अगला बल्ला तेरे सिर में पड़ेगा। हो गया भाई, फाइनली